स्वागत है दोस्तों आपके प्रीव्यू चैनल पर। आज हम बात करेंगे ट्विटर के ब्लू टिक के बारे में कि क्या है ब्लू टिक का। अभी हाल ही में चर्चित एक मैटर जो हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के सोशल मीडिया अकाउंट से है ना, ट्विटर के अकाउंट से ब्लू टिक को बैच को हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था, कैसे हटा दिया गया था, इस बारे में समझेंगे, तो चैनल पर बने रहना। अगर आपने लाइव एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार लाइव सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। हाँ, बात करते हैं कि ट्विटर ने हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के ब्लू टिक बैच को हटा दिया था हाल ही में। तो एक सोशल मीडिया पर मीडिया में हंगामा हुआ, उस चीज़ को देखते हुए ट्विटर ने फिर वापस उनके बैच को दे दिया, ब्लू टिक के बैच को दे दिया। वैसे ब्लू टिक क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं कि ब्लू टिक का लगाने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि एक ऑफिशियल अकाउंट, एक रियल अकाउंट को पहचानने और एक फेक अकाउंट को पहचानने में है ना इसकी मदद होती है कि एक ब्लू टिक के अकॉर्डिंग आप पहचान सकते हो कि कौन सा फेक है और कौन सा रियल है ना। तो ये होता है ब्लू टिक का कारण कि ब्लू टिक क्या काम करता है। तो ब्लू टिक ये मतलब होता है कि एक रियल और फेक अकाउंट के बीच में डिफरेंस पता किया जाता है इसके बारे में। तो हमारे उपराष्ट्रपति जी का ब्लू टिक हटा दिया था, क्यों हटा दिया था इसके बारे में समझेंगे, और कैसे हटाता है यूट्यूब ये ट्विटर ब्लू टिक को, इसके बारे में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखो। तो कैसे हटाता है ट्विटर ब्लू टिक को, इसके बारे में बताएं कि अगर आपका अकाउंट है ट्विटर पर और लंबे समय से आपका अकाउंट एक्टिव नहीं है, आपने अकाउंट को यूज नहीं लिया है लंबे समय से, तो ट्विटर आपके ब्लू टिक को हटा सकता है ना। ट्विटर आपके ब्लू टिक को हटा सकता है, और ट्विटर की पॉलिसी में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपको ट्विटर पहले नोटिस देगा उसके बाद ही आपका ब्लू टिक हटाया जाएगा। तो इसमें ऐसा कोई पॉलिसी में नहीं है कि नोटिस देने का। तो ये ट्विटर आपका ब्लू टिक हटा सकता है अगर आप एक्टिव नहीं हो, आप लंबे समय से ट्विटर को यूज नहीं कर रहे। तो हमारे उपराष्ट्रपति ने लास्ट ट्वीट 23 जुलाई 2020 को किया था, तो मतलब एक साल के करीब उन्होंने अपना यूज नहीं किया था पर्सनल अकाउंट। तो ट्विटर ने क्या किया कि इनके पर्सनल अकाउंट से ब्लू बैच को हटा दिया था, और गर्मा इसमें सोशल मीडिया में गर्मी रहे, आपस में गर्मा गर्मी रहे थोड़ी सी, और हंगामा रहा तो वापस ब्लू टिक दे दिया गया है ना। तो ये रीजन होता है कि आप लंबे समय से ब्लू टिक या आप यूज नहीं कर रहे हो ट्विटर अकाउंट को, तो आपका ब्लू टिक हटा दिया। और बात करें, वही आप किसी सरकारी पद पर हो और पद पर रहते हुए अगर आपको ट्विटर है ना आपके अकाउंट को वेरिफिकेशन बैच दे देता है, मतलब ब्लू टिक दे देता है, तो ये आपके पद से हटने के बाद ये आपके ब्लू बैच को हटा भी सकता है, वेरिफिकेशन को हटा भी सकता है। अगर आप गवर्नमेंट पद पे हो और ट्विटर ने आपको एक वेरिफिकेशन दे दिया है ना, ब्लू टिक दे दिया, लेकिन क्या है कि अगर आप पद से हट जाते हो उसके बाद आपका वेरिफिकेशन हटा सकता है, ब्लू टिक हटा भी सकता है ट्विटर। और दूसरी बात, अगर आप ट्विटर का उल्लंघन करते हो, ट्विटर की पॉलिसी का उल्लंघन करते हो, जैसे आप अपना नेम आईडी और प्रोफाइल बार बार चेंज करते रहते हो, तो ये किसी लोगों को गुमराह करने के लिए भी किया जाता है। तो इस प्रकार उल्लंघन के दौरान भी आपका बैच हटा दिया जाता है। तो ये था हमारे वेंकैया नायडू का कि क्यों हटाया इनका बैच, क्यों हटा दिया गया था, और ट्विटर कैसे हटाता है, ये सब हमने आपको आसानी से बता दिया कि आप लंबे समय तक यूज नहीं किया जाता या उल्लंघन किया जाता है या फेक आईडी बना के गुमराह किया जाता है, इस प्रकार ये ब्लू बैच हटा दिए जाते हैं। तो शायद आपको समझ आया होगा, आसान समझाया हमने आपको, समझ आया होगा। अगर समझ आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिल जाए जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।